तो वेलकम बैक बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। बच्चों वैसे तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारे पास टोटल तीन मेथड्स होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन दो मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो चाहे वो थ्री वेरिएबल हो, दोनों में से किसी भी तरीके के जो इक्वेशन है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो टू वेरिएबल्स वाले हो चाहे वो थ्री वेरिएबल्स वाले हो। इस वीडियो में हम लोग मेनली थ्री वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों जो लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स है उसको भी दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, एक जो होता है होमोजेनस कहलाता है और दूसरा जो होता है वो नॉन होमोजेनस कहलाता है। बच्चों इस वीडियो में हम लोग नॉन होमोजेनस के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने वाला हूं कि होमोजेनस और नॉन होमोजेनस में क्या फर्क होता है। तो यहां पर देखिए आपको तीन इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड बराबर डी वन, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन देखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर डी टू, और वहीं पर तीसरा इक्वेशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर कितना हो जाएगा, डी थ्री हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल अभी फिलहाल तीन इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस में आप लोग ध्यान से देखेंगे कि x का एक कोफिशियंट है, y का एक कोफिशियंट है और एक z का कोफिशियंट है, और ये वाला जो d1 है बच्चों इसको अपन बोलेंगे कांस्टेंट कोफिशियंट है। तो ये सारे ये a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, ये सारे जो नंबर्स हैं वो एक कोफिशियंट्स है। किसके कोफिशियंट्स हैं, तो x के कोफिशियंट्स हैं, y के कोफिशियंट्स हैं और z के कोफिशियंट्स हैं तीनों के, और साथ ही साथ d1, d2, d3 को अपन बोलेंगे कि ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशियंट है। ठीक है, तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3, ये हर तीन इक्वेशंस में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं बच्चों इसमें d1, d2, d3 ये तीनों के तीनों अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, तो ये तीनों के तीनों बराबर हो जाए जीरो के। अगर ये तीनों के तीनों जीरो के बराबर हो गए बच्चों, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग होमोजेनस इक्वेशंस बोलते हैं। याद रखेंगे अगर d1, d2, d3 तीनों अगर जीरो के बराबर हो गया है किसी इक्वेशन में, यानी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस जगह पर कुछ नहीं, इस जगह पर क्या दिखने वाला है, जीरो जीरो और जीरो दिखने वाला है, ऐसे जो इक्वेशन दिखेंगे बच्चों वो होमोजेनस इक्वेशन होंगे। वहीं पर अगर इन तीनों में से कोई भी एक, एनी वन ऑफ d1, d2, d3 तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हुआ बच्चों, कोई एक नॉन जीरो मतलब अगर मान लीजिए दो जीरो हो गए और एक जो है वो जीरो नहीं है, तो भी वो क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनस कहलाएगा। अगर एक जीरो है, अगर एक जीरो है बाकी दो नॉन जीरो है, तो भी क्या कहलाएगा, वो नॉन होमोजेनस कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक जगह जीरो लिख देता हूं बाकी जगह दो जगह नंबर्स लिख देता हूं, तो भी वो क्या कहलाएगा, नॉन होमोजेनस कहलाएगा। तो नॉन होमोजेनस इक्वेशंस के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास टोटल तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले मेथड का नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। वहीं पर दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। इस क्रैमर्स रूल में हम लोग डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। वहीं पर तीसरा जो मेथड है बच्चों, उस मेथड का नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, जो कि है एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर रूल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बच्चों हमारे पास मान लीजिए कोई तीन इक्वेशंस हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। यहां से बच्चों आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने को तीन मैट्रिक्स इसमें से निकालना है। इसमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स आता है ए, ये जो ए मैट्रिक्स है बच्चों इस मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं कोफिशियंट मैट्रिक्स, कोफिशियंट मैट्रिक्स। और ये जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है बच्चों वो बनता है किससे बनता है, इनके कोफिशियंट से बनता है। जैसे यहां पर बना ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और यहां पर बना बच्चों ए थ्री बी थ्री और सी थ्री, ये एक मैट्रिक्स तैयार हो गया बच्चों। इस मैट्रिक्स को कोफिशियंट मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि ये किससे बना हुआ है, कोफिशियंट से मिलकर बना हुआ है। वहीं पर दूसरा एक मैट्रिक्स और दिखाई दे रहा है बच्चों, जिसको अपन बी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है इनके कांस्टेंट से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि डी वन
डी टू और डी थ्री, ठीक है। और वहीं पर एक तीसरा मैट्रिक्स भी दिखाई दे रहा है बच्चों, इस बी मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये कॉन्स्टेंट से बना इसलिए कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। वहीं पर एक और मैट्रिक्स दिख रहा है जिसको मैंने नाम दिया कैपिटल एक्स का, और ये मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड। अगर बच्चों अगर बहुत ध्यान से आप लोग देखें कि तो मैं अगर इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं ए एक्स को क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए सबसे पहले ये वाला रो जो है वो ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या मिलेगा, ए वन एक्स मिलेगा प्लस बी वन वाई मिलेगा, उसके बाद देखिए सी वन जो है वो मल्टीप्लाई होगा सी जेड से, तो सी वन जेड मिलेगा। तो ये जो है यहां पर ये जो तीन नंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो तीनों के तीनों नंबर मिल जाएंगे जब मैं इसका पहला रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे ही इसके दूसरे रो को जब आप इसके ये वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, वैसे ही ये तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, d1 d2 d3 के बराबर है, और d1 d2 d3 जो है वो किसके बराबर है, खुद b के बराबर है। तो जो ax है बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। यहां पर देखिए अगर मेरे को इस x की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इनवर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ इनवर्स लगा लिया, a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b। यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चों जिस तरफ आप a इनवर्स लगाए हैं, जैसे यहां इसमें इसके पहले लगाए हैं, इस वाले के पहले लगाया गया है इनवर्स को, तो इसमें भी इस बी के पहले ही लगेगा इनवर्स, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। और ये हो जाएगा आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। वहीं पर बच्चों ये आई जो है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आई के बराबर आता है। तो ये जो आई है बच्चों अगर उसका मल्टीप्लीकेशन मैं किसी भी एक मैट्रिक्स के साथ कर दूं तो वो मैट्रिक्स फिर से वापस प्रकट हो जाता है, तो ये बराबर हो गया किसके, ए इनवर्स बी के। तो अगर मैं कहीं से ए इनवर्स निकाल लूं, यानी कि जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाएंगे उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर मैं इनवर्स फाइंड कर लूं बच्चों, और उसका मल्टीप्लीकेशन मैं किसके साथ कर दूं, बी के साथ कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स मिल जाएगा। और दो मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है बच्चों और ये भी एक मैट्रिक्स है बच्चों, इन दो ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बराबर कब होंगे, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी एक्स जो है वो किसी एक नंबर के बराबर हो जाएगा, y जो है वो किसी एक नंबर के बराबर हो जाएगा, और z जो है वो भी किसी एक नंबर के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर अगर मेरे को किसी भी तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स को अगर मेरे को सॉल्व करना है, तो उस स्थिति में मेरे को a आना चाहिए किसको बोलते हैं, b आना चाहिए किसको बोलते हैं, और वेरिएबल मैट्रिक्स, ठीक है। अभी जो मैंने बताया है वो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है जो कि आपको क्लियरली शायद समझ में आ गया होगा। ये याद रखेंगे बच्चों कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के समय जब हम लोग ए निकालेंगे तो ये ए जो है ना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों क्योंकि अभी हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर हो जाएगा तो यहां पर इनवर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा बच्चों, और इनवर्स नहीं निकलेगा तो अपन इसको बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल नहीं है। तो याद रखेंगे कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इन्वर्टिबल होना चाहिए जिसका इनवर्स निकाला जा सके, और इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लेकर के अपन इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखिए तीन इक्वेशन है, और तीन इक्वेशन से मेरे को यहां पर x का कोफिशिएंट 1 दिखाई दे रहा है, तो जब मैं a मैट्रिक्स निकालूंगा तो a मैट्रिक्स किसके बराबर आने वाला है, तो a मैट्रिक्स बराबर आने वाला है, यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर देखिए 1 आया है, y का कोफिशिएंट देखिए -1 है तो यहां पर देखिए y का कोफिशिएंट -1 है, यहां पर z का कोफिशिएंट 3 है तो यहां पर 3। तो फाइनली ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ a1 b1 c1। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, a2 b2 c2 जो कि यहां पर 4, 2 और -1 के बराबर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। वहीं पर तीसरे इक्वेशन को जब आप लोग देखो तो यहां पर x का कोफिशिएंट -1 है, तो देखिए यहां पर भी -1 दिखाई दे रहा है,
वाई का कोफिशियंट को देखिए तीन है तो यहां पर भी देखिए आपको तीन दिखाई दे रहा है, और जेड का कोफिशियंट वन है तो यहां पर भी देखिए आपको वन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन कोफिशियंट मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों। वहीं पर एक्स किसके बराबर था, इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये एक्स वाई जेड के बराबर होता है, इससे पहले अभी अपन डिस्कस किए हैं। और बी जो है वो किसके बराबर होगा, बी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट से मिलकर बना है बच्चों। तो यहां पर देखिए फाइव एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, एक जीरो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, और एक फाइव कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। तो देखिए फाइव जीरो फाइव ये कांस्टेंट से बना मैट्रिक्स है। अब अपन पूरे कहानी के अंदर क्या करने वाले हैं बच्चों, ए का इनवर्स निकालने वाले हैं। तो ए का इनवर्स निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले अपन ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये वाले रो को ले लेते हैं और इस वाले रो से ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही मैं वन से ब्रेक करूंगा तो ये सबसे पहले यहां पर आ जाएगा वन, और वन के सामने वाला रो और नीचे वाले कॉलम को छोड़ोगे जब आप, तो यहां पर देखिए आपको टू वन जा टू दिखाई देगा, ये वाला टू, और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री इंटू माइनस वन बराबर कितना दिखाई देगा आपको, थ्री दिखाई देगा। तो थ्री प्लस टू हो गया बच्चों, या टू प्लस थ्री बोल सकते हैं अपन। अब मैं दूसरे वाले नंबर को लूंगा बच्चों, यहां पर माइनस वन को लूंगा। जब मैं माइनस वन को लूंगा बच्चों तो यहां पर एक माइनस ऑलरेडी पहले से होता है, यहां पर वाला जो एलिमेंट रहता है वह माइनस में रहता है, और वो माइनस और ये माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस वन बन गया बच्चों। और जब मैं माइनस वन को लिया तो इसके सामने वाला रो और इसके नीचे वाले कॉलम को मैंने छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फोर वन जो फोर हो गया, माइनस वन को मल्टीप्लाई करने पर वन हो गया, और दोनों को माइनस करने पर थ्री के बराबर आ जाएगा। और वहीं पर जब मैं थ्री को ब्रेक करूंगा, थ्री से ब्रेक करूंगा तो थ्री के सामने वाले रो नीचे वाले कॉलम को छोड़ूंगा, तो यहां पर आ जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व, और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में तो था पहले से, एक माइनस था पहले से, और इसको मल्टीप्लाई करने से एक और माइनस टू आया, तो ये माइनस माइनस मिला करके प्लस के बराबर हो गया। फाइनली ये पांच बन गया बच्चों, ये तीन बन गया, और ये चौदह बन गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फाइव वन जा फाइव हो जाएगा, ये थ्री वन जा थ्री, और फोर्टीन थ्री जा फोर्टी टू के बराबर हो जाएगा। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एक बहुत बड़ा और काम करना है बच्चों, जिसमें अपने को क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट होता है उनके कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, जो वो मैट्रिक्स जो उनके कोफैक्टर से मिलकर बना है उसका ट्रांसपोज जब हम लोग निकालते हैं तो वो बराबर होता है एडजॉइंट के। तो चलिए अपन क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 50 के बराबर आ गया है, ठीक है। अब अपन कोफैक्टर्स निकालेंगे इसका, इन सब का। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, ए का कोफैक्टर निकालेंगे, पहले यहां से निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकाला क्या जाता है, सी वन वन जब आप निकालेंगे बच्चों तो माइनस वन का पावर, यहां पर जो दो नंबर लिखा है उन दोनों नंबर को अपन जोड़ते हैं, और साथ में पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ करके जो बचा हुआ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यानी माइनर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, और दोनों को माइनस करना है तो एक माइनस और ऑलरेडी पहले से है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस वन का पावर टू दिख रहा है मेरे को, और टू माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा फाइव, और माइनस वन का जो स्क्वायर होता है वन के बराबर, तो देखिए फाइव के बराबर आ गया। ऐसे करके अपन इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, सारे एलिमेंट्स का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से पहला कोफैक्टर आया, उसका जब दूसरा कोफैक्टर निकालेंगे तो देखिए माइनस वन का पावर वन प्लस टू हो गया है, क्योंकि वन टू का निकाल रहे हैं अपन। जब वन वन का निकाले थे तो वन प्लस वन किए थे, और जब वन टू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू हो जाएगा। और पहला रो और दूसरा कॉलम को अब आप छोड़ेंगे तो फोर वन जब फोर, माइनस वन मिला करके वन हो जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस थ्री के बराबर होने वाला है, क्योंकि माइनस वन का पावर थ्री है बच्चों। देखिए याद रखेंगे, माइनस वन का पावर अगर आपको ऑड नंबर मिल रहा है तो ये माइनस वन के बराबर होगा, तो ये माइनस वन के बराबर होगा, इसलिए ये माइनस थ्री हो गया। वैसे ही तीसरा कोफैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद टू वन का कोफैक्टर निकालेंगे, टू टू का और टू थ्री का कोफैक्टर निकालेंगे। ये सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद हमारा एडजॉइंट जो है वो रेडी हो जाएगा। फाइव माइनस थ्री फोर्टीन, टेन फोर माइनस टू माइनस फाइव थर्टीन, और सिक्स, ये हमारा क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया बच्चों। तो जब ये एडजॉइंट बन गया है तो अब हमारे पास इनवर्स निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 50 दिया हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया, 1 अपॉन 50 लिख दिया, और एडजॉइंट हमको दिया हुआ है ही। तो ये पूरा क्या निकला बच्चों, तो ये पूरा निकला ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को याद करो, अपने को मल्टीप्लाई करना था किससे, बी से। तो ए इनवर्स को अब अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, बी के साथ।
तो ए इनवर्स के जगह पर ये पूरा आ जाएगा, और बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो बी जो है वो कांस्टेंट से मिलकर के बना मैट्रिक्स था, कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। सबसे पहला काम अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसका पहला वाला रो इसके पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 10 0 जा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 5 जा फिर से कितना हो जाएगा -25। तो यहाँ पर -5 है और 5 मिलाकर -25। वैसे ही ये दूसरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आया पहला, ये आया दूसरा, -3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे -15 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 13 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 65 आएगा, 14 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे 70 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे 30 आएगा। और वहीं पर यहाँ पर देखो ये दोनों कैंसिल होकर के 0 बन जाएंगे, इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। अब 1/50 को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इससे और इससे, तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 0 दिखेगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको मिल गई 0 1 और 2। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को, ऐसे इक्वेशन होने चाहिए, नॉन होमोजेनस होने चाहिए, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि अपन पहले उसका इनवर्स निकालेंगे। किसका इनवर्स निकालेंगे, उनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको ए इनवर्स बी करके बराबर एक्स करके अपन क्या कर लेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि जब अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा डिटर्मिनेंट निकालना था, अपन ए का डिटर्मिनेंट निकाले, अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाला और वो 0 के बराबर नहीं आया, जैसे अभी के केस में था 0 के बराबर नहीं आया, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया तब क्या करना है, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। तो देखिए बच्चों, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर आ गया तो अपन ऐसे को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आ गया तो उस समय आप दो चीज और चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी और ए का प्रोडक्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी और ए का प्रोडक्ट करेंगे। दूसरे बार भी यहां पर देखिए एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए का मैं प्रोडक्ट किया। देखिए अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया या फिर 0 के बराबर नहीं आया, ये दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 हो गया और एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। हमारा जो इक्वेशन है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और वहीं पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया लेकिन एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो अपन बोलेंगे इसमें नो सॉल्यूशन। तो ये याद रखेंगे बच्चों, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताया कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए कंडीशन क्या है। तो ये दो कंडीशन है जो आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे मेथड की तरफ, क्रैमर रूल जिसको बोलते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के मदद से, डिटर्मिनेंट का हेल्प लेकर के किसी भी लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल का, याद रखेंगे नॉन होमोजेनस होना चाहिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि होमोजेनस जो इक्वेशन होता है उसको बनाने का ही तरीका कुछ और होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रैमर रूल में सबसे पहले फिर से हमारे पास कोई तीन इक्वेशन है, a1x + b1y + c1z + d1 इक्वेशन वैसे ही दिखेंगे जैसे उसमें दिखते हैं। कभी कभी पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है कि भाई क्रैमर रूल से आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, या बोल देता है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, तो दोनों के दोनों मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपने दो इक्वेशन दिख गए हैं। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, याद रखेंगे इसमें अपन ना चार डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एक डेल निकालेंगे, एक डेल वन निकालेंगे, एक डेल टू निकालेंगे और एक डेल थ्री निकालेंगे। ये चार प्रकार का डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। जब मैं डेल निकालूंगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जब मैं डेल निकालूंगा तो क्या होगा, जब मैं डेल निकालूंगा तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3
जो कोफिशियंट मैट्रिक जिससे जिस एलिमेंट से बना था ना बच्चों, उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो किसके बराबर कहलाएगा, डेल के बराबर कहलाएगा। तो तीन चार डिटरमिनेंट अपने को निकालना था, उसमें पहला डिटरमिनेंट किससे बना है तो उनके कोफिशियंट से बना है, ये याद रखेंगे। वहीं पर अगर मैं दूसरा डिटरमिनेंट डेल वन के बारे में बात करूं बच्चों, तो डेल वन में अपने को क्या करना है, इस बात का थोड़ा खास ध्यान रखेंगे, एक मिनट रुकेंगे। अगर आपको डेल वन निकालना है तो देखिए बच्चों, ये जो पहला वाला है इसका जो कॉलम दिख रहा है, इस पहले वाले कॉलम को आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, इसका मतलब हटाना नहीं है, रिप्लेस कर देना, इसके जगह पर कुछ और लेकर के आना। आप क्या लेकर के आएंगे इसके जगह पर, तो अपन लेकर के आएंगे डी वन, डी टू और डी थ्री, ये तीन चीज यहां पर लेकर के आएंगे। तो यहां पर देखो ये डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाकी सेम एलिमेंट देखो, ये सारे एलिमेंट सेम है इसमें, लेकिन बस ए वन ए टू ए थ्री के जगह पर अपन डी वन डी टू डी थ्री डाल दिए। वहीं पर अगर डेल टू निकालेंगे बच्चों तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस पहले वाले से बी वन बी टू बी टी बी थ्री को फिर से रिप्लेस कर देंगे और इसके जगह पर क्या डाल देंगे, डी वन डी टू डी थ्री डाल देंगे, कुछ इस प्रकार। वहीं पर जब अपन डेल थ्री निकालेंगे बच्चों, तो सी वन सी टू सी थ्री को रिप्लेस कर देंगे और इसके जगह पर डाल देंगे डी वन डी टू डी थ्री, तो ये डेल थ्री निकल जाएगा। तो ये चार डिटरमिनेंट अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल से। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डेल वन को, ये जो पहला डेल वन है जो भी डिटरमिनेंट आएगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, डेल से। वहीं पर अगर वाई निकालना है तो मैं डेल टू ले लूंगा, डेल टू को डिवाइड कर दूंगा किससे, डेल से। वहीं पर अगर मेरे को जेड निकालना है तो मैं डेल थ्री को डिवाइड कर दूंगा डेल से। तो बच्चों अगर मेरे को किसी भी लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल को सॉल्व करना है क्रैमर रूल से, तो पहले मेरे को डेल वन डेल टू डेल थ्री और डेल निकालना पड़ेगा, याद रखेंगे। और ये निकालने के बाद एक्स निकालने के लिए अपन डेल डेल वन और डेल को डिवाइड करेंगे, वाई निकालने के लिए डेल टू और डेल थ्री को डेल को डिवाइड करेंगे, और जेड निकालने के लिए डेल थ्री और डेल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं और इक्वेशन से समझते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए आपको तीन इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं और इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर फिर से सबसे पहले मैं डेल निकालूंगा, डेल किसके बराबर आएगा, जो कोफिशियंट मैट्रिक्स है उससे डेल आने वाला है बच्चों। तो यहां पर देखिए थ्री फोर फाइव, ये देखिए थ्री फोर फाइव, यहां पर टू माइनस वन एट, तो टू माइनस वन एट, और यहां पर देखिए फाइव माइनस टू सेवन, तो फाइव माइनस टू सेवन। तो यहां पर देखिए ये जो मैट्रिक्स बना है इसका क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वहीं पर देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, वैसे इसका इसमें काम नहीं है, और कांस्टेंट मैट्रिक्स भी आपको पता है किसके बराबर होता है। हमको फिलहाल अभी डेल निकालना है, तो डेल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डेल निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो कोई भी एक रो को अपन क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ब्रेक कर देंगे यहां से। तो पहला थ्री लिखेंगे, थ्री और थ्री के सामने वाला रो और नीचे वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, सेवन। वहीं पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो माइनस सिक्सटीन होने वाला, क्योंकि माइनस बीच में एक और होता है, तो वो माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ पर। फिर फोर से ब्रेक करेंगे, याद रखेंगे बीच वाला एलिमेंट माइनस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस और ये प्लस, ये याद रखेंगे जब भी आप पहले रो से ओपन कर रहे हैं तब। माइनस फोर ये हो जाएगा पहला रो और दूसरा कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फोर्टीन दिखेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फोर्टी दिखेगा, और दोनों को माइनस करना है तो बीच में माइनस दिखेगा। फिर फाइव से ओपन करेंगे, फाइव से जब करेंगे तो इसके सामने वाले रो को और इसके नीचे वाले कॉलम को छोड़ेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस फोर आ रहा है, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर फाइव आ रहा है, और फाइनली अपन डिटर्मिनेंट जब इसका सॉल्व करेंगे बच्चों 136 के बराबर आएगा। तो डिटर्मिनेंट आपने को निकालने आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले को रिप्लेस कर दूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो इस 18, 39, 20 से क्या कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए 18, 13, 20 बाकी सेम टू सेम लिखा हुआ है। फिर से ये पहले वाले रो को ब्रेक करके अपन क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, तो यहां पर देखिए 18 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 408, 408, ठीक है। डी डेल टू भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। डेल टू निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था, बी वन बी टू बी थ्री को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करके कॉन्स्टेंट को डाल देंगे, तो ये अब इधर आने वाला है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट आ गया 136 के बराबर। अब क्या करेंगे अपन, डेल थ्री निकालेंगे। डेल थ्री निकालने के बाद असली कहानी चालू होगी। डेल थ्री निकालेंगे, डेल थ्री के बाद आगे, डेल थ्री निकल गया 136, अब आ जाते हैं
एक्स की वैल्यू निकालने। तो एक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि डेल वन जो है, डेल वन को डेल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हमारा डेल वन आया था 400 वाट और डेल आया था 136, दोनों को डिवाइड करने से देखिए 3 के बराबर आया और एक्स की वैल्यू हमने सक्सेसफुली फाइंड कर ली। वहीं पर वाई की वैल्यू जो है वो डेल टू अपॉन डेल होगा और डेल टू हमने निकाला था 136, तो 136 अपॉन 136 ये 1 के बराबर आ गया। वहीं पर अगर जेड हम लोग निकालेंगे तो डेल 3 अपॉन डेल और ये 136 अपॉन 136 1 के बराबर आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ध्यान देंगे, जैसे मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था वैसे ही डिटर्मिनेंट में भी कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है जो एग्जाम में गारंटी के साथ पूछा जाता है ना, तो उस चीज पर आप लोग खास ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले डेल निकाले थे। अगर डेल जो है अगर जीरो के बराबर नहीं है तब तो काम बन गया हमारा, लेकिन अगर मान लीजिए डेल जीरो के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर से बच्चों अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे क्या देखेंगे कि डेल वन डेल टू और डेल थ्री क्या ये तीनों जीरो के बराबर है। ठीक है, अगर नॉन जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन अगर डेल जीरो है और डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों के तीनों जीरो है तो अपन इसको बोलेंगे इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और वहीं पर अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, एनी ऑफ डेल वन डेल टू डेल थ्री, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बच्चों इसमें एक चीज और याद रखेंगे, जो यूनिक सॉल्यूशन है और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। और वहीं पर जो नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे, दो चीज होते हैं, कंसिस्टेंट होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है, कंसिस्टेंट है आंसर कंसिस्ट करना, तो मेनी सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे आंसर है, तो मेनी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट में आता है और यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट में आता है, जबकि नो सॉल्यूशन जो है वो इनकंसिस्टेंट में आता है। तो इस तरीके से अपन किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी थ्री वेरिएबल्स का मैट्रिक्स मेथड से या डिटर्मिनेंट मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।